बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो ये हम लोगों की बदकिस्मती समझिए जो कि इस सरकार में हम लोगों को इतना झेलना पड़ रहा है। नीतीश कुमार का पॉलिटिक्स है ना, बहुत गंदा पॉलिटिक्स है। नौजवानों की ये भीड़ टीचर बनने की उम्मीद में पहुंचे लोगों की है। दरअसल बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा चल रही है। ये तस्वीरें पटना की हैं, जहां दूर दूर से लोग परीक्षा देने पहुंचे, लेकिन नीतीश सरकार की अव्यवस्था देख परीक्षार्थी भड़क गए। दिक्कत हो रही है, दिक्कत तो देख ही रहे हैं सर आप। बाजार में चलने का जगह नहीं, रहने का जगह कहाँ से होगा सड़क पर। जैसे रात ही आ गए थे, वहाँ रात ही आए हैं। रुके यहाँ पे, रुके हैं स्टेशन पे, रुके हुए हैं स्टेशन जी। होटल का कमरा मिल नहीं रहा? नहीं नहीं मिला, मिले नहीं मिल रहा है। परेशानी बहुत ज्यादा है, समझे ना, परेशानी बहुत ज्यादा है। सरकार का जो रवैया है वो बहुत घिनौनापूर्ण रवैया है, अच्छा नहीं है। इसका जवाब हम लोग 2025-24 में जरूर देंगे नीतीश कुमार को जो है। सुना आपने, परीक्षार्थी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को चुनाव में इसका जवाब देंगे। नीतीश कुमार के खिलाफ लोगों में खासी नाराजगी है। बेटी को परीक्षा दिलाने आए एक पिता ने नीतीश सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। तो प्लेटफॉर्म पर रुके हुए हैं और अभी आए हैं। एक्चुअली स्टेट 19 में मेरिट लिस्ट में आया हुआ है, इसको इस एग्जाम का कोई जरूरत ही नहीं था। लेकिन नीतीश कुमार का ये जो बदमाशी बोली है, ये पात्रता परीक्षा उसको बना करके उसको करके फिर से एग्जाम ले रहा है। इतना कष्ट से एग्जाम दे करके हम लोग आए। हम लोग बहुत दूर में रहते हैं, महाराष्ट्र कर्नाटक में रहते हैं, उधर से आकर के एग्जाम दिला करके गए, उसके बाद फिर से ये सब चक्कर लगा दिया। नीतीश कुमार का पॉलिटिक्स है ना, बहुत गंदा पॉलिटिक्स है। दरअसल लोगों में नीतीश सरकार के खिलाफ ये गुस्सा क्यों है, तो मुजफ्फरपुर की इन तस्वीरों को देखिए। परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पहुंचे तो पूरा परिसर पानी से लबालब था। छात्र जैसे तैसे परीक्षा दे आए, लेकिन बाहर निकलते ही उनका गुस्सा फूट पड़ा। पानी में एग्जाम देने का स्कूल में कोई व्यवस्था नहीं, ना पानी पीने का, ना पिलाने का, बाथरूम का व्यवस्था नहीं था। यहाँ पर पानी पूरा भरा हुआ है, देख नहीं रहे, जूता लेके चल रहा है। परीक्षा केंद्र तालाब में तब्दील है। परीक्षार्थियों की माने तो कोई व्यवस्था नहीं, तो फिर दीवार पर लगे इस नोटिस का क्या काम, जिसमें लिखा है कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। बहरहाल नीतीश सरकार की व्यवस्था की तस्वीरें भी इस कैमरे में कैद हुई होंगी, लेकिन परीक्षार्थी नीतीश सरकार की इस व्यवस्था से आग बबूला है। जो है बिहार सरकार में जो है शिक्षक बहाली का नियम रोज चेंज होता है, जब मर्जी तब चेंज कर दिया जाता है। रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, प्लेटफॉर्म पे सो रहे हैं, रास्ते में सो रहे हैं, बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो ये हम लोगों की बदकिस्मती समझिए जो कि इस सरकार में हम लोगों को इतना झेलना पड़ रहा है। परीक्षार्थी परेशान हैं, सड़क जाम है, पटना से मुजफ्फरपुर तक अभ्यर्थियों का हाल बेहाल है। भीड़ भी ऐसी है जैसे मानो परीक्षा नहीं कुंभ का मेला लगा हो। सड़क पर जाम की स्थिति है पूरी तरह से। तो देखिए, जहां भी आपकी नजर जाएगी यहां पर छात्र दिखेंगे जो कि यहां पर पहुंचे हैं एग्जामिनेशन के लिए। लड़कियां हैं, लड़के हैं, तमाम जो छात्र हैं उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और ये एक सेंटर का हाल है। इस तरह से पटना में कई सेंटर है और पूरे बिहार में बहुत से सेंटर बनाए गए हैं जिसपे एग्जामिनेशन जो है वो किया जा रहा है। बीपीएससी ने पूरे बिहार में 850 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। 12,000 सीसीटीवी कैमरे से 8,00,000 अभ्यर्थियों पर नजर रखी जा रही है, लेकिन व्यवस्था के नाम पर सिर्फ नीतीश सरकार के दावों की पोल खुल रही है। पानी में एग्जाम देने का स्कूल में कोई व्यवस्था नहीं, ना पानी पीने का, ना पिलाने का, बाथरूम का व्यवस्था नहीं था। यहाँ पर पानी पूरा भरा हुआ है, देख नहीं रहे, जूता लेके चल रहा है। पटना से टाइम्स नाउ नवभारत के लिए साकेत की रिपोर्ट।